दोस्तों भोले भंडारी, इस समय शाम के कोई 7:15 बजे हैं। मैं अभी दुकान से, चाय की दुकान से बैठा बैठा आया हूँ। आज दिनांक 30 दिसंबर 2023 है। ये हमारा दूसरा वीडियो है, आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। लगभग 7:15 बजे मैं 2-3 घंटे दुकान में बैठा रहा। मैं उन लोगों को खोजता रहा, उन एंटिटीज को खोजता रहा। मैंने कहा तुम क्या घनचक्कर आदमी हो, उनकी मंगल क्या हुआ? अरे हुआ क्या, मैंने कहा। वो पागल सा आदमी अपने वीडियो में फिर दोबारा चिल्ला रहा था, मेरा उसका कोई लेना देना नहीं और वो ठेकेदार बन रहा है सबका। मैंने कहा भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगा, क्या तुम मुझे सलाह दे रहे हो और मैं ऐसा ही करता हूँ, तुम कहते हो जैसा ही करता जाता हूँ और अब 2-4 दिनों से जब से मैं हॉस्पिटल गया तब से तो ऐसा ही करने लगा हूँ। उन देव शक्तियों ने मुझे बोला, अरे मंगल सुन, यू एंड योर ग्रुप। देखो उन्होंने मुझे लिखाया, मंगल सुन, यू एंड योर ग्रुप इज एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप। यू एंड योर ग्रुप इज एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप। ऐसे पागल तो चिल्लाते रहेंगे, इनकी तो चिंता क्यों करता है, ये अपना आप नष्ट हो जाएंगे, इनकी तो चिंता मत कर, तू तो ऐसा ही करता जा जैसा हम कह रहे हैं। अरे मैंने कि ऐसा कर तो रहा हूँ, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अरे दिक्कत का सवाल ही नहीं है, ऐसे लोग तो अभी आएंगे और वो कुछ तुमको समझा कर जाते हैं। मंगल, यू एंड योर ग्रुप इज एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप। भाई ये टर्म भी मेरे लिए नहीं है, मैंने कभी पहले बोला नहीं एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप। ये इसको मैं एंजल की जगह एंजल्स कर देता हूँ। लिखो एंजल की जगह एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप कर देता हूँ। ये मेरे लिए भी नई शब्द है भाई, हम एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप कैसे हैं। मंगल सुनो, ये जो तुम काम कर रहे हो ये हमारे कहने से कर रहे हो और हम लोग हैं एंजल्स, हम लोग हैं अनसीन एंटिटी, हम लोग हैं परमात्मा और दुनिया के बीच में। हम उसकी मर्जी को आप लोगों के सामने लाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं और आप हमारे इसमें सहभागी बन रहे हो। सो यू आर एन एसोसिएट ऑफ एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप। मैंने कहा भाई ये बात तो मुझे भी सही लगती है भाई, मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या कराते हो, पागल से आदमी सामने लाकर इकट्ठा करते हो, खड़ा कर देते हो, अकबक बोलता रहता है। चलो फिर तो मैं जाने दो, ऐसे तो बहुत से लोग आते रहते हैं रोजाना के। हम तो ये कहते हैं कि किसी का बुरा नहीं हो, ये ठेकेदार बन रहा है, अरे आप अपनी मक्खी तो उड़ा ले। मंगल, यू आर एन एसोसिएट ऑफ एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप। आप ही नहीं, आपके सारे लोग जो आपके साथ समागमों में जाते हैं, जो आपके साथ प्रार्थना पर बैठते हैं, वे सब इसमें हिस्सेदार हैं, वे सब इसमें शेयर होल्डर हैं। ऐसे ही है जैसे कि किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में के हम शेयर खरीद लेते हैं, हमको पता नहीं उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन शेयर खरीदने से हम भी उस शेयर के, उसके प्रॉफिट के, उसके डिविडेंड के उसमें हकदार हो जाते हैं, उसके एक्टिविटीज से, कभी कभी उसमें हिस्सा लेने से। इसलिए आप और आपका सारा ग्रुप
एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप का एक शेयर होल्डर है। करते जाइए, इन पागलों की कोई चिंता मत करिए, जाता बक बक करेंगे, एक मिनट में नष्ट भ्रष्ट करके कीड़े मकोड़ों की तरह दूर गिर जाएंगे। यही ध्यान रखो कि किसी का बुरा मत करो, गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है भाई, जिसने जो किया है वो सबको भुगतना पड़ेगा, उनको भी तुमको भी। मैंने कि ये तो बात सही है। मंगल यू एंड योर पर्सन्स आर एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप देवी शक्तियों के झुंड में शामिल हो गया है, उस डिवाइन कंपनी के शेयर होल्डर बन गया है। तुम वही करते जाओ जो इस दुनिया के बेटरमेंट के लिए हम जो तुम्हें बताते हैं, और यही सब के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए भी, दूसरी दुनिया के लिए भी। मैंने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सारा तनाव ही दूर हो गया सर। सुबह से कह रहा था, मैं सोच रहा था यार ये अच्छा पागल सा आदमी है, कुछ स्पेलिंग भी जानता नहीं और हुआ करता रहता है। उन्होंने मुझे भाई ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसे लोग तो और भी आते आते रहेंगे, वे कुछ न कुछ तुम्हें सिखा कर जाएंगे। याद रखो, नोबडी इज योर फ्रेंड, नोबडी इज योर एनिमी, एवरीबॉडी इज योर टीचर। मंगल, योर ग्रुप इज एंजल थेरेपिस्ट ग्रुप। सो ध्यान प्रार्थना करते रहिए, इकट्ठे होते रहिए, मीटिंग करते रहिए, देश दुनिया की भलाई के लिए क्या किया जा सकता है ये सोचते रहिए, और हम बताएंगे तुम्हें ये किया जा सकता है। मैंने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी मेहरबानी है, थैंक यू लोगों। मुझे उन्होंने ये बताया, मैंने आपको बता दिया। ये पागल लोग तो चिल्लाते रहते हैं, उनका अपना अपना किस्मत है भाई। थैंक यू।